को तो हरियाणा में बीजेपी और जजपा का मजबूत गठबंधन है। दोनों ही पार्टियों के आला नेता गठबंधन की मजबूती की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मगर धरातल पर कार्यकर्ता ही गठबंधन की हवाइयां उड़ा देते हैं। अब कैथल में ही देख लीजिए, जिला परिषद की हाउस मीटिंग में जजपा समर्थित चेयरमैन दीपक मलिक ने खुलकर भाजपा पर जुबानी हमला बोला। दीपक मलिक ने राज्य मंत्री, सांसद और कैथल भाजपा जिला अध्यक्ष के ऊपर भी जुबानी हमला बोलने से परहेज नहीं किया। दीपक मलिक ने तो भाजपा को छल कपट की राजनीति करने वाली पार्टी तक करार दे दिया। दूसरी ओर जिला परिषद कैथल के वाइस चेयरमैन कर्मवीर कौल ने दीपक मलिक के सभी आरोपों को निराधार बताया और कहा कि हरियाणा में बीजेपी और जजपा का गठबंधन मिलकर काम कर रहा है। नहीं देखिए, हमारी तो गठबंधन में चुनाव हुआ था, अब क्या मंशा थी बीजेपी की, क्योंकि बीजेपी स्टार्टिंग से ही ऐसी मंशा से काम करती आई है। उनकी मंशा तो पहले दिन से खराब थी, जब से उन्होंने चुनाव में ये ऐसी हरकतें करी थी। हमें तो मंशा उनकी उसी टाइम से खराब लग रही थी, उन्होंने अपनी मंशा को आज साबित भी कर दिया कि क्योंकि छल कपट की राजनीति है जो बीजेपी स्टार्टिंग से करती आई है और उसी पे आज वो खरी उतरी है। मानते हो कि जो जिला परिषद का जो चुनाव लड़ा गया था उसमें आगे गठबंधन की जो बात की गई थी उसको लेकर खरी उतरी है? देखिए, अगर ये आप लोगों के सामने अगर खरी उतरी होती तो आज पावर पूर्ण रूप से चेयरमैन को दी होती, जो उसका अधिकार भी है। मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन मुझे जितना नॉलेज है, जितना मुझे मैंने 1994 एक्ट पढ़ा है, उसमें पदेन अधिकारियों का सबका वोट होता है हाउस में, और वही वोट इस्तेमाल हुआ है। वो सब आयुक्त रूप से करेंगे, हम साथ मिलकर, हम कोई अलग नहीं है, अध्यक्ष जी से अलग नहीं है या किसी यहाँ कोई पार्टीबाजी है, सब सामूहिक रूप से काम करेंगे। तो क्या मानते हो गठबंधन ऐसे आगे चल पाएगा जिस तरह से अभी से खिठास दोनों पार्टियों में आई है? देखिए, ये आप देख रहे हो जितने भी कार्य हो रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, अभी लास्ट आप गोहाना की रैली की देखेंगे तो दोनों ने सामूहिक रूप से घोषणा की है। दुष्यंत चौटाला जी हमारे जो उप मुख्यमंत्री हैं और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, दोनों ने मिलकर घोषणा की है। सब स्टेट लेवल की, डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात कर रहे हैं। करमवीर जी, बात यहाँ स्पष्ट नहीं हो पा रही, ऐसा कोई कारण क्या अनपड़ा कि पहले ही मीटिंग में अध्यक्ष से उनके बजट वितरण की पावर ले ली गई मेंबर्स? नहीं नहीं, देखिए कोई, ये आपको शायद आपको पता हो, ये पावर किसी एक सदस्य के नाम भी हो सकती है। अगर कोई साथी प्रपोज करता है किसी, मैंने जो पढ़ा है जितना मुझे नॉलेज है, किसी एक सदस्य के नाम से भी वितरण अगर कराए हम, वो सदस्य भी वितरण कर सकता है। ये हाउस की पावर है और ये लोकतंत्र की पावर है, इसमें कोई की पावर नहीं ली गई। आज भी हमारे मीटिंग है जो सारी चेयरमैन साहब के हिसाब से हुई है, अध्यक्ष महोदय के अकॉर्डिंगली मुद्दों पर डिस्कस हुआ है, ये कोई पावर लेने की बात नहीं है, ये हाउस ने अपने लोकतांत्रिक तरीके से चीजें चुनी है। कुल मिलाकर जिला परिषद में वित्तीय शक्ति पर जजपा और भाजपा आमने सामने आ खड़ी हुई है। दीपक मलिक ने कहा कि भाजपा एक बार फिर से ग्रामीणों के विरोध बंद कर सामने आई और आज हाउस की मीटिंग में छल कपट कर वित्तीय शक्ति के उपाध्यक्ष को सौंपने का काम किया गया है। वहीं जिला परिषद के उपाध्यक्ष की माने तो सभी सम्मानित सदस्यों को बराबर विकास कार्यों के लिए ग्रांट आवंटित की जाएगी, इनमें किसी तरह का भेदभाव नहीं है। वैसे देखा जाए तो ये पहला मामला नहीं है जहां पर भाजपा जजपा गठबंधन के बीच नोक झोंक देखने को मिली हो, ऐसा पंचायत चुनाव के दौरान भी हो चुका है। वैसे तो गठबंधन सरकार ने सफलतापूर्वक 3 साल से ज्यादा वक्त एकजुट होकर निकाल दिया है, मगर विधानसभा चुनाव तक ये एकजुटता के साथ चुनाव लड़ेंगे ये तो वक्त ही बताएगा। कैथल से जयपाल रसूलपुर, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।